तुम तो ऐसे प्रसन्न दिखाई दे रहे हो जैसे जाने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वासुदेव, मित्रों से बिछड़ना बड़े दुख की बात है। परंतु मैं बिछड़ कहां रहा हूं? तो और बिछड़ना किसे कहते हैं? रथ खड़ा है, दाव जाने को व्याकुल है। बिछड़ना तो फिर भी सिद्ध नहीं हुआ। अरे इस असहाय ब्राह्मण से ठिठोली मत करो वासुदेव, मैं तो तुमसे बिछड़ने की सोच भी नहीं सकता। और तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे बिछड़ना ना हुआ, खिलवाड़ हो गया। मैं तुमसे मिलने मथुरा अवश्य आऊंगा, परंतु ऐसा ना हो तुम वहां जाके यदु राजकुमार बन जाओ और मुझे पहचान ना पाओ। ये तुमसे किसने कह दिया मित्र कि मित्रता का आधार सामाजिक समानता है? ये पूंजी तो हृदय में रखी जाती है, और हृदय चाहे किसी दीनहीन का हो चाहे किसी धनी का, समान होता है। फिर कभी अपनी दीनहीनता का प्रसंग न निकालना। न तुम दीनहीन हो न मैं राजकुमार, तुम सुदामा हो, मेरे सुदामा, मेरे मित्र। और मैं वासुदेव कृष्ण, तुम्हारा मित्र। सुदामा, ये मित्रता ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है। कृष्ण, सुदामा, कृष्ण। बड़ी प्रीत है मीत की, बड़ा प्राण से मीत, जो जीते मन मीत का, जग लेता वह जीत, जग लेता वह जीत। सुदामा, तुम मथुरा ना आना। क्यों? क्योंकि मथुरा में मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, परंतु तुमसे मिलना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे ऋणी हो। ऋणी? हाँ। कैसे? याद करो वो रात जो हमने साथ साथ अलग अलग पेड़ों पर काटी थी, और तुम मेरा सारा खाना भी खा गए थे, याद आया ना? तो भैया, वो ऋण तो मैं छोड़ नहीं सकता, और इसके लिए एक बार तो तुमसे अवश्य मिलना पड़ेगा। तुम भी कब कब की बातें याद रखते हो, मैं तो ये घटना भूल चुका था। यही तो देनदार की पहचान है, तुम्हें ऋण देना था तुम भूल गए, परंतु मुझे तो ऋण लेना है, भला मैं कैसे भूल सकता हूं। अरे कान्हा, चलना है कि नहीं? रथ कब से खड़ा है? चलते हैं दाऊ, परंतु इतनी शीघ्रता क्यों? पल तो पल और ठहर जाइए ना। पर क्यों ठहर जाऊं? तुम कोई एक ही कारण बता दो। एक कारण तो यही है दाऊ कि अब हमें इस आश्रम के दर्शन नहीं होने वाले। यह आश्रम शुद्ध संस्कृति का द्वीप है। अब सांस लेने के लिए इतनी शुद्ध वायु मिलना भी कठिन है दाऊ, तो दो चार लंबी लंबी सांसें आप भी ले लीजिए। और वैसे मैं किसी की प्रतीक्षा भी कर रहा हूं। किसकी प्रतीक्षा? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा। आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है, और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो, संभालो अपना शस्त्र।
और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव, अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी। जो आज्ञा। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका।